नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिहार स्पेशल के है। जैसे मैंने बताया था कि बिहार की हम एक श्रेणी चलाने वाले हैं जिसमें बिहार स्पेशल के जितने भी बिहार से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको मैं बताऊंगा। लगभग 16 से 17 वीडियो बनेंगे इस पर, जिसमें हम पूरे बिहार की जो भी चीज़ें हैं, बिहार की चाहे वो ज्योग्राफी हो, बिहार की हिस्ट्री हो, बिहार की कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, जितने भी चीज़ें जो परीक्षाओं में बीपीएससी या जो भी परीक्षाओं में आते हैं उन सभी के बारे में हम पूरी तरीके से विधिवत रूप से आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के बारे में। जैसे मैंने बताया था, आप कहीं के भी रहने वाले हों, जहाँ के भी आप रहते हों, जहाँ भी आप निवास स्थान आपका हो, जो भी आप कोई किसी भी राज्य स्तर की जब परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो सबसे राज्य स्तर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उन्हीं में आप देखेंगे बिहार के बारे में। अब मैंने बताया था, जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, लेकिन अगर जो आप किसी दूसरे स्टेट की, अपने स्टेट की जब परीक्षा देते हैं तो राज्यवार परीक्षाओं में प्रश्न इसके जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जरूरी होता है कि आप जिस राज्य को पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप सबसे पहले उसका क्षेत्रफल वगैरह, उसकी स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में, कौन कौन से स्टेट से उसकी सीमाएँ वगैरह लगती हैं, इन सभी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जो एक सामान्य परिचय के अधीन आता है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार की लोकेशन भारत के मैप में आखिर हमें कहाँ बिहार देखने को मिलता है, बिहार है कहाँ, उनके बारे में हम देखेंगे। बिहार के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं और किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की किस देश से लगती, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार की बात करेंगे तो बिहार काफ़ी पुराना है, ऐतिहासिक तौर पर भी बिहार का काफ़ी महत्व है। बिहार का नाम बिहार अगर जो हम देखते हैं तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही बिहार इसका नाम पड़ गया। जैसे आप जानते नहीं सुनते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, बिहार पे जा रहे हैं, बिहार पे जा रहे हैं, मैं बिहार राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब घूमने फिरने जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बौद्ध मठों की अधिकता की होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। बिहार की बात करेंगे तो इतिहास काफ़ी पुराना है, मगध का साम्राज्य उत्कर्ष ले लीजिए, चाहे वो 16 महाजनपद काल के बाद की भी क्षेत्र ले लीजिए, इसमें बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अभिभूत कर देंगे। बिहार की बात करेंगे तो मध्यकाल में भी हम देखें तो बिहार की कुछ चीज़ें हमें देखने को, कुछ खास चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, उसकी कर्मभूमि बिहार ही रही है, सासाराम जो मुगलों से सीधे टक्कर लेता रहा है, और हम देखेंगे तो चाहे आप चौसा का युद्ध ले लीजिए, चौसा का युद्ध भी आप देखेंगे तो चौसा तो यहीं पे लड़ा गया था, चौसा, चौसा का युद्ध वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप जानते ही हैं। जिस चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, बक्सर के युद्ध में भी हम देखेंगे तो अंग्रेजों की क्या हुई, प्रभुसत्ता स्थापित हुई। प्लासी के युद्ध के बाद में हम देखें तो अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता को हम मानते हैं वो बक्सर के में ही इनकी हो गई थी, बक्सर, आप जान रहे हैं बक्सर। तो इन सब चीज़ों के बाद में आधुनिक काल में ले लीजिए, चाहे बाबू कुंवर जी को हम ले लें, जिन्हों क्या है 1857 की क्रांति में सीधे तौर पे मुगलों से लोहा लेते रहे। तो आगे चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लीजिए, उसमें भी जब हम देखते हैं तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार के ही निवासी थे। तो कहें कि ऐतिहासिक तौर में भी ले, चाहे आधुनिक काल में ले, बिहार का नाम आपको चार व्यक्तियों में कोई ना कोई एक ना एक आपको बिहार का मिल जाता है, जो आपको मतलब कुछ उच्च श्रेणी में पहुंच जाते हैं। तो आइए देखते हैं उनमें से कौन कौन से, मतलब कि क्या क्या खासियत रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ आम धारणाएं जो भी हैं, आइए पूरा विधिवत तरीके से हम बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया है उसके आसपास की बाउंड्री लाइन वगैरह देखिए, तो बाउंड्री लाइन में हम देखेंगे तो इसकी किन किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं। बिहार की सीमा हम देखेंगे तो इसके उत्तर में नेपाल है, नेपाल के अगर जो आप देखेंगे तो उत्तर का पूरा एरिया क्या है, नेपाल है। इसके पश्चिम में हम देखते हैं तो पश्चिम में हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसके पश्चिम है। इसके पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल और दक्षिण में पड़ता है झारखंड। दरअसल झारखंड पहले इसी का हिस्सा था और पश्चिम बंगाल और झारखंड उड़ीसा मिला करके पूरा एक बंगाल कहलाता था, बंगाल का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसका क्या क्या विभाजन कर दिया गया। खैर अभी हम उन सब पहलुओं के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि कौन कौन से जिले किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं, परीक्षाओं में इनसे आपकी भेंट हो सकती है। तो आइए देखते हैं, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे, कौन कौन बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है इसको आप याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण जो है ये आप ये देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के नीचे आप आएंगे तो गोपालगंज है, गोपालगंज के बाद फिर सिवान पड़ता है, सिवान के बाद आप छपरा देख रहे हैं मतलब सारण, और उसके पास फिर आप देखेंगे तो बक्सर है, बक्सर के बाद फिर कैमूर मतलब झबुआ है, भभुआ नहीं, भभुआ मध्य प्रदेश में आप चलेंगे, झबुआ याद रखिएगा, झबुआ। तो आइए देखते हैं, तो मतलब कौन कौन से हो गए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, जो आप देख रहे हैं जो पूंछ के जैसा निकला हुआ है ये इस तरफ आप देख रहे हैं यूपी है, यूपी का ये इसको हम बोलते हैं बलिया है, बलिया के ऊपर देवरिया है, देवरिया के ऊपर और आप जाएंगे तो खैर आपको कुशीनगर जैसे मिलेंगे, लेकिन खैर हम पढ़ रहे हैं बिहार तो बिहार के पर्पज से आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके नीचे जब हम देखते हैं तो झारखंड है, झारखंड से हम देखते हैं कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो रोहतास है,
रोहतास के बाद फिर औरंगाबाद है, फिर गया है, नेवाडा है, जम्मू है, बांका है और भागलपुर है। ये क्या है जो झारखंड से सीमाएं बनाते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। और ऊपर की तरफ नेपाल, जैसे मैंने बताया है, तो नेपाल से हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज इतने याद रख सकते हैं आप जो भी हैं, किशनगंज सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला है, इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें थी किशनगंज तक आप, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सा जिला जो है वो बिहार से मतलब कि नेपाल सीमा बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, या इनका क्रम बताइए पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन आप जिलों को याद रखिएगा कि जिले कौन कौन से किससे किससे सीमा बनाते हैं। तो और भी बीच में जिले हैं लेकिन उनको मैंने नहीं बताया, जो बॉर्डर लाइन के जिले हैं उनको मैंने बता दिया है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर है। तो ये आप देख रहे हैं सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बिल्कुल बीच में है। तो ये तो हो गई बातें बिहार के बारे में, जो आसपास की बाउंड्री लाइन है। एक बात मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, आप देखते हैं बिहार की लोकेशन कहाँ पे है, मतलब कि बिहार अगर जो आप भारत के मैप में बिहार दिखेगा कहाँ पे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप हम देखते हैं, ये आप देख लीजिए बना हुआ है, ये है उत्तर भारत का मैप। ये क्या है, भारत का मैप है। भारत के मैप में अगर जो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या है, ये कहलाता है बिहार। तो ये बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, ऊपर आप सिक्किम देखने को मिलेगा। तो ये वाला हिस्सा बिहार का है, तो अब ये याद रखिएगा बिहार। तो आप देख रहे होंगे दरअसल भारत की, आप जब जानते हैं कि भारत एक विश्व के मैप में, जब आप देखते हैं विश्व के मैप में, मान लीजिए जैसे ये विश्व का मैप है मतलब कि ग्लोब है, तो ग्लोब में आप जान रहे हैं कि एक रेखा होती है जो उत्तर से दक्षिण के रूप में जाती है, इसको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। एक जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे है, जो क्या है, इस तरफ मैंने बताया है तो ईस्ट होगा, इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ होगा, नीचे की ओर जाएंगे तो साउथ होगा। तो आप देख रहे हैं भारत का जो गोलार्ध है वो कौन सा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। तो भारत में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, तो बिहार कहाँ स्थित है, बिहार भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसी में बिहार पड़ता है। तो बिहार की लोकेशन क्या है, दरअसल हम जानते हैं कि किसी भी राज्य को जो आप पढ़ें, भारत की लोकेशन, किसी की भी लोकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम ये जानते हैं कि आखिर उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो बिहार के बारे में भी मैं बता दूँ कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बिहार का कितना है। तो आइए देखते हैं, इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है, देखते हैं। तो मैंने बताया है कि दरअसल पूरी तरीके से किस में, नॉर्थ में स्थित है। तो जो देशांतर का होगा ये नॉर्थ में ही होगा, मतलब कि जो हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो एक रेखा कुछ यहाँ से जा रही होगी, इस तरीके से एक ऊपर की रेखा जा रही होगी, तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। मतलब अक्षांशीय विस्तार का मतलब कि एक इस तरीके से जो अक्षांशीय विस्तार है ये, और जो ये वाला हिस्सा होगा ये देशांतरी विस्तार होगा। मतलब देशांतर का मतलब है कि कौन कौन से देशांतर रेखाएं से होकर गुजरती हैं। तो आइए देखते हैं, तो अगर जो हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से नॉर्थ में ही है, याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है, यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार देखेंगे तो देशांतरी विस्तार की हम बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट है से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। मतलब ये आप ईस्ट याद रखिएगा, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये पूरी तरीके से ईस्ट है और इस तरफ पूरी तरीके से नॉर्थ है, तो इनको आप याद रखिएगा। भारत की भी बिल्कुल ऐसे ही है, 8 डिग्री 4 मिनट से 97.25 तक। मतलब कहने का मतलब है, इसको आप जो भी आप पढ़ते हैं इनको आप याद रखिएगा, जो भी है इनके बारे में, जो भी भारत की है उसको आप जरूर याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं, तो ये तो बात हो गई भारत की, तो और भी चीज़ें देखते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के ये आप याद रखिएगा, बिहार का कितना कितना इसका क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल की भी चर्चा करेंगे। तो आपको इन चीज़ों से भारत, बिहार की जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, जब बिहार की हम चौड़ाई को देखते हैं लंब, ये कितना है, 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी 345 है और पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे इस तरीके से बनेगा फिगर, तो ये करीब आयताकार दिखता है। तो बिहार की जो आकृति कैसी है, आयताकार है, क्योंकि बिहार की जो उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है मतलब लंबाई, वो क्या है, कम है, और पूर्व से पश्चिम वाली क्या है, ज़्यादा है, तो एक आयत की जैसे बन जाता है। तो इसको इसलिए बिहार का जो ये दिखता है वो कैसा आयताकार है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट बिहार के बारे में। तो बिहार का, जैसे बिहार पहले जो था
इसमें बंगाल के अधीन आता था, मतलब बंगाल हो चाहे और उड़ीसा हो और चाहे वो बिहार हो, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते थे, बिहार बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल को बिहार से क्या किया गया, मतलब बंगाल और बिहार को संयुक्त रूप से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, मतलब बंगाल से बिहार कब अलग होता है, 1 अप्रैल 1912 को, तो इसको याद रखेगा। लेकिन दरअसल इसकी जो अधिसूचना होती है वो 22 मार्च 1912 को जारी की जाती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत अगर जो हम देखते हैं तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया। मतलब अगर जो हम देखें तो सबसे पहले जब पश्चिम बंगाल से जब अलग, मतलब बंगाल से अलग होता है तो 1 अप्रैल 1912 को है, उसके बाद जब उड़ीसा से अलग होता है तो 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में अलग हो जाता है उड़ीसा इससे। लेकिन बाद में आगे चल करके 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों को अलग लेकर के झारखंड राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो झारखंड अलग हो जाता है क्योंकि दरअसल झारखंड की आबादी को हम देखेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र था, मतलब कि अब जो वर्तमान में झारखंड है, काफ़ी पठारी क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र होने की वजह से इसको क्या कर दिया जाता है, अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। क्योंकि आप जान रहे होंगे इसके नीचे आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार पड़ता है और काफ़ी यहाँ पे इन क्षेत्रों में काफ़ी जनजातियाँ वगैरह थी, तो उनको सेपरेट राज्य का दर्जा देते हुए झारखंड को अलग कर दिया गया। झारखंड जब अलग हुआ तो कितने जिले लेकर के अलग हुआ, 18 जिले लेकर के अलग हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखेगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको आप याद रख सकते हैं, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है, इसको दिमाग में रखिएगा। 13वां, पहले 12वां था, तेलंगाना बन गया इसलिए 13वां हो गया, तो 13वां स्थान है। और लोकसभा की सीटें यहाँ पे 40 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 16 हैं, वर्तमान में 15 ही हैं, मतलब 15 भरी हुई एक खाली है। तो राज्यसभा की सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें 243 हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर कुल जिलों की जब हम बात करेंगे, कुल जिले, तो कुल जिलों की बात करेंगे तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। और प्रमंडल कितने हैं, 9। जैसे आप जान रहे होंगे यूपी में ही आप जानते हैं कुछ जिलों को मिला करके एक मंडल बना दिया, जैसे फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, उसी तरीके से वहाँ पर भी मंडल बनाए गए हैं। तो मंडल क्या होते हैं, कई जिलों को सम्मिलित रूप से क्या कर दिया जाता है, मंडल घोषित कर दिया जाता है, तो मंडल है। मंडल के बाद में हम देखेंगे तो कुल जिले 38, प्रमंडल मतलब कि कितने, 9 हैं। फिर अनुमंडल आते हैं, अनुमंडल मतलब तहसीलें, तहसीलें मतलब जैसे आप जान रहे होंगे यूपी में ही ले लीजिए, तहसील बोलते हैं आप प्रमंडल, तो प्रमंडलों की संख्या 101 होती है, कितनी, 101 है प्रमंडलों की संख्या। और जब बात करेंगे प्रखंड मतलब कि खंडों की ब्लॉक स्तर पे, तो उनको हम देखेंगे तो 534 हैं। ये सभी फैक्ट हैं, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आपकी कभी भी इनसे भेंट हो सकती है। तो प्रखंडों की संख्या 534 है, इनको याद रखेगा। फिर हम बात करेंगे राजकीय पशु, इसका बैल है, और राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल है। तो ये चीज़ें थी बिहार का एक जो आप आउटलुक एक प्रकार से कह सकते हैं, जो भी चीज़ें थी बिहार के बारे में, मैंने एक नॉर्मल से एक व्यू दिया है। अभी मैं बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, आप जान रहे होंगे नदियाँ वगैरह हैं, जैसे यहाँ से जो भी अभी एक किसकी राजधानी पटना है, तो सबसे अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, पटना में ही। और देखेंगे ये तो यहाँ पे जो बीच में भी जब गंगा नदी बहेगी कुछ इस तरीके से, तो क्या करेगी कि पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे बिहार को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। उत्तर का जो क्षेत्र होता है उसकी स्थलाकृतियाँ और दक्षिण के क्षेत्र की स्थलाकृतियों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है। तो इनके बारे में देखेंगे जो भारत की, मतलब हम बिहार का भौतिक विभाजन जब देखेंगे तो भूगोल जो भी बिहार का काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम खनिज क्षेत्रों, पूरी यहाँ की चट्टानों के निर्माण के क्रम के बारे में जो भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। जो आपको कहीं ना कहीं, जो आप बिहार दे रहे हैं तब भी, नहीं दे रहे हैं तब भी, कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए, तो उसके पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार के बारे में तो एक आउटलुक था चीजें, मतलब बिहार के बारे में जो मैंने बताया है, इनको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो आगे के जो भी वीडियो आएंगे उनको आप देखिएगा। इसके लिए आप क्या करिए, अपने पास एक पॉलिटिकल मैप बिहार का रखिए, पॉलिटिकल के साथ साथ आप फिजिकल मैप भी रख सकते हैं, ताकि आप दरअसल आप कोई भी चीजें पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने शुरुआत किया आपको तुरंत कि मैं कोई फैक्ट बता दिया कि जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, आपको बक्सर पता ही नहीं कहाँ पे है, मैप आपको पता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपका जो दिमाग होगा वो रटने की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाएगा कि हम इस चीज़ को रट लेते हैं तो ज़्यादा फायदा, मतलब क्योंकि आपको लोकेशन तो पता नहीं। इसलिए सबसे पहले कोई भी आप राज्य पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, भारत पढ़ रहे हैं, विश्व पढ़ रहे हैं, एक मैप अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि मैप से आप उसकी भाव, सबसे पहले उसको भूगोल को समझिए, क्योंकि भूगोल को जब आप समझेंगे तभी उसके अंदर की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फिर उसको भूगोल का मतलब कि जिलों की लोकेशन वगैरह, उनके बारे में आप अच्छे से देखिए कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। चाहे कोई भी जिला हो, आपसे कोई भी बोले तो तुरंत आपके दिमाग में जिला आ जाना चाहिए। अभी आप जनसंख्या वगैरह बिहार की जब पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, खैर बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगी, लेकिन ऐसे ऐसे जिले आएंगे तो आपको जिले का कोई आइडिया नहीं रहेगा, तो आप नहीं समझ सकते हैं। खैर अगर जब बिहार के निवासी हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में पहले से अवगत होंगे, नहीं भी अवगत होंगे तभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनको बताता रहूंगा।
तो फिलहाल जो मैं भूगोल बताऊंगा, तो मुझे लगता नहीं कि आज के पहले जो आप, मैं भूगोल बिहार के बताऊंगा, उससे पहले आप पढ़े होंगे बहुत ही डीप तरीके से, और नदियों को बिल्कुल विस्तृत तरीके से मैं बताऊंगा बिहार की नदियों के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हफ्ते में एक वीडियो बिहार के ऊपर आएगा, बाकी की जो मैं इंडियन ज्योग्राफी पर्यावरण की जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ वो चलती रहेगी। हफ्ते में एक वीडियो मैं उसको लेकर के आऊँगा, और बीपीएससी के एग्जाम के पहले तक पूरा मैं बिहार स्पेशल खत्म कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।